हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक के बारे में, जो है पॉलिनेटिंग एजेंट्स। पॉलिनेटिंग एजेंट्स, देखिए पॉलिनेटिंग एजेंट का मतलब क्या होता है। पॉलिनेटिंग एजेंट का मतलब होगा ऐसे एजेंट्स जो कि क्या करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प कराते हैं, जो कि पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम मेल टू फीमेल। तो यहाँ पे देखिए, एजेंट विच कैरी पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेटिंग एजेंट्स। क्या है पॉलिनेटिंग एजेंट? एजेंट विच कैरी पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, वो एजेंट जो कि पॉलन ग्रेन को कैरी करते हैं फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा, पॉलिनेशन में हेल्प कराते हैं, उसे क्या कहते हैं हम, पॉलिनेटिंग एजेंट। अब देखिए, कुछ पॉलिनेटिंग एजेंट होते हैं जो कि हेल्प कराएंगे पॉलिनेशन में, कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले बात करेंगे एबायोटिक एजेंट्स और कुछ बायोटिक एजेंट्स भी होते हैं। बायोटिक एजेंट सबसे पहले बात करते हैं एबायोटिक की। एबायोटिक क्या है? देखिए, ए का मतलब क्या होगा, एब्सेंस, एंड बायो का मतलब क्या हो जाएगा यहाँ पे, लाइफ, मींस एब्सेंस ऑफ लाइफ। जो नॉन लिविंग थिंग होते हैं जब वो पॉलिनेशन में हेल्प कराते हैं तो उसे हम कहेंगे एबायोटिक एजेंट। एबायोटिक एजेंट्स में कौन कौन से आते हैं, ये देखिए आता है यहाँ पे विंड एंड वॉटर। और विंड से होने वाली जो पॉलिनेशन होती है उसे हम कहेंगे एनिमोफिली, एंड वाटर से होने वाली जो पॉलिनेशन होगी उसको कहेंगे हाइड्रोफिली। हाइड्रो टर्म यूज किया जाता है किसके लिए, वाटर के लिए, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाइड्रोफिली। देन इसके बाद आइए बायोटिक एजेंट्स में। बायोटिक एजेंट्स कौन कौन से होते हैं, देखिए बायोटिक एजेंट्स होते हैं इंसेक्ट एंड बर्ड्स। कुछ एनिमल्स भी होते हैं जैसे कि रैट हो गया, ये भी पॉलिनेशन में हेल्प कराएंगे। देखिए इंसेक्ट और जो बर्ड्स होते हैं, इंसेक्ट से होने वाला जो पॉलिनेशन होता है इसको कहेंगे एंटेमोफिली। एंड बर्ड्स से होने वाला जो पॉलिनेशन होता है, बर्ड्स में अगर हम बात करें बैट से, तो बैट से होने वाला जो पॉलिनेशन होता है उसको कहेंगे चिराप्टोफिली। तो ये दो एजेंट्स होते हैं, एक नॉन लिविंग थिंग से जो पॉलिनेशन हो रही है एबायोटिक थिंग से, वो विंड और वाटर होते हैं, और जो बायोटिक एजेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, इंसेक्ट और बर्ड्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एबायोटिक एजेंट्स के बारे में। देखिए यहाँ पे, तो एजेंट्स की जरूरत क्यों पड़ती है, एजेंट की नीड इसलिए होती है क्योंकि मेल और फीमेल क्या होते हैं, मोटाए नहीं होते हैं, तो इसलिए एजेंट्स के थ्रू ही क्या होता है, इनमें पॉलिनेशन होगा। तो देखिए एबायोटिक एजेंट्स की पहले बात करें, तो एबायोटिक एजेंट्स में जो पॉलिनेशन होता है उसके लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स चाहिए, प्लांट्स के अंदर कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर होने चाहिए तभी इसमें पॉलिनेशन पॉसिबल है। तो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर होने चाहिए, देखिए मेल प्लांट की पहले बात करेंगे, इसका जो पॉलन ग्रेन लाइट होना चाहिए, लाइट मीन्स हल्का होना चाहिए और नॉन स्टिकी। तो लाइट और नॉन स्टिकी अगर पॉलन ग्रेन होगा तो इजली पॉलिनेशन हो सकती है। अगर लाइट नहीं होगा, अगर वेटेड है, तो विंड के थ्रू वो पॉलिनेशन नहीं कर सकता है। और नॉन स्टिकी अगर नहीं होगा तो किसी भी फीमेल प्लांट के साथ जाके स्टिक कर जाएगा। तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होना जरूरी है किसी भी मेल प्लांट में। जैसे कि अगर घर पे अगर पेपर होता है, पेपर का टुकड़ा होता है अगर, तो वो लाइट होता है तभी विंड के थ्रू इजिली ट्रांसफर हो सकता है। और अगर हमने इसको कहीं पे स्टिक कर दिया, पेपर को हमने टेबल पे चिपका दिया, तो वो क्या ट्रांसफर हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए पॉलन ग्रेन्स का लाइट होना और नॉन स्टिकी होना क्या होता है, जरूरी होता है। अब देखिए फीमेल के पास कौन कौन से कैरेक्टर होने चाहिए, फीमेल प्लांट के पास देखिए, फीमेल प्लांट में जो स्टिग्मा होता है, स्टिग्मा फेदरी होना चाहिए, फेदरी एंड स्टिकी
फैदरी जिससे वो इजिली ट्रैप कर सके पॉलन ग्रेन को, और स्टिकी का मतलब स्टिग्मा स्टिक कर सके इजिली पॉलन ग्रेन को। तो दो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होने चाहिए मेल और फीमेल प्लांट के अंदर, तभी इजिली क्या हो सकता है पॉलिनेशन थ्रू एजेंट होगा। नेक्स्ट आइए हम बात करते हैं एबायोटिक एजेंट्स के बारे में, किस तरह से एबायोटिक एजेंट्स के थ्रू पॉलिनेशन हो रही होती है। तो सबसे पहले बात करेंगे विंड की। ये देखिए, दिस इज मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट एंड दिस इज फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो देखिए फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का जो ये स्टिग्मा है, ये है आपका स्टिग्मा, तीन पार्ट होंगे स्टाइल एंड ओवरी, बहुत अच्छे से जानते हैं आप लोग। और ये क्या है एंथर, एंथर में ही क्या होता है पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होगा, पॉलन ग्रेन फॉर्म होंगे और जब क्या होगा विंड विंड आती है, विंड के थ्रू क्या होगा इस तरह से एंथर से स्टिग्मा तक क्या हो जाता है पॉलिनेशन हो जाता है, और बहुत सारे जो स्टिग्मा होंगे वो क्या कर लेंगे पॉलन ग्रेन को, बहुत सारे पॉलन ग्रेन को स्टिक कर लेंगे। तो विंड के थ्रू क्या होता है ट्रांसफर इस तरह से इजिली हो सकता है। अब देखिए वाटर के थ्रू किस तरह से पॉलिनेशन होती है, अब बात करते हैं वाटर की, वाटर के थ्रू किस तरह से पॉलिनेशन होता है। तो देखिए यहाँ पे जितने भी लोअर प्लांट्स होते हैं, लोअर प्लांट्स में ब्रायोफाइट्स की बात करेंगे हम, ब्रायोफाइट्स या सम ग्रीन अलगा कुछ अलगे भी होते हैं जिनमें पॉलिनेशन थ्रू द वाटर होगी। ब्रायोफाइट्स के जो प्लांट्स होते हैं वो मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो अपने अपने मेल और फीमेल गैमेट को क्या कर देता है रिलीज कर देता है वाटर के अंदर, रिलीज करने के बाद वाटर में ही क्या होता है पॉलिनेशन हो जाता है। तो जितने भी लोअर प्लांट्स होते हैं अगर ब्रायोफाइट्स की बात करें या फिर अलगा कुछ अलगा होते हैं उनकी बात करें तो वो अपने मेल और फीमेल गैमेट को रिलीज कर देते हैं वाटर के अंदर, और वाटर में ही क्या होता है वो मीट करते हैं और वहां पे क्या होता है उनका फर्टिलाइजेशन होगा। देन उसके बाद अगर हायर प्लांट्स की बात करें जैसे कि अगर टेरिडोफाइट है, टेरिडोफाइट्स, तो टेरिडोफाइट्स के जो प्लांट्स होते हैं उनमें क्या होता है, देखिए कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जैसे कि वाटर में, वाटर के सरफेस पे होते हैं, वाटर पे सरफेस पे होंगे, और कुछ प्लांट ऐसे होंगे जो कि वाटर में डीप होंगे मतलब कि बहुत नीचे होते हैं। तो जैसे ये मेल है, मेल ने क्या किया मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ने एंथर के थ्रू अपने पॉलन ग्रेन को वाटर में क्या कर देते हैं रिलीज कर देते हैं, वाटर में रिलीज कर देंगे, और जैसे ही वाटर में रिलीज करते हैं ये जो स्टिग्मा है, ये जो फीमेल पार्ट है वो वाटर के सरफेस के ऊपर आएगा और इन पॉलन ग्रेन्स को क्या कर लेता है एक्सेप्ट कर लेता है। तो एक्सेप्ट करने के बाद क्या होता है इनमें पॉलिनेशन हो जाती है। तो पहला क्या था, पहला ये था कि ब्रायोफाइट्स क्या करते हैं अपने अपने पॉलन अपने अपने मेल गैमेट और फीमेल गैमेट को क्या करते हैं वाटर में रिलीज करते हैं, देन उसके बाद पॉलिनेशन होगी। और दूसरा क्या था, यहाँ पे जो मेल होगा ये क्या करता है रिलीज कर देता है अपने पॉलन ग्रेन को, और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या करेगा वाटर के सरफेस पे आके सारे पॉलन ग्रेन को क्या कर लेगा रिसीव कर लेता है। तो इस तरह से क्या होता है वाटर में पॉलिनेशन होगा। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे बायोटिक एजेंट्स के बारे में, बायोटिक एजेंट्स, बायोटिक एजेंट्स। देखिए बायोटिक एजेंट्स में कौन कौन से आते हैं, इंसेक्ट एंड बर्ड्स। देखिए इंसेक्ट और बर्ड्स में जो पॉलिनेशन होता है, इंसेक्ट और बर्ड्स के थ्रू जो पॉलिनेशन होता है वो सेम होता है, कॉमन होगा इन दोनों में। इंसेक्ट जो होती है, इंसेक्ट क्या करेगी नेक्टर के लिए, ठीक है नेक्टर के लिए फ्लावर पे जाएगी, और नेक्टर लेने के लिए जब फ्लावर पे जाती है तो वहां पे क्या होता है इनमें पॉलिनेशन भी क्या होता है परफॉर्म होता है, पॉलिनेशन भी क्या होता है प्लांट में परफॉर्म होता है। तो यहाँ पे देखिएगा जैसे कि डायग्राम के थ्रू अगर आपको समझाएं तो ये क्या है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और ये मान लीजिए ये कोई अनदर प्लांट है और इस अनदर प्लांट का ये क्या है एंथर है, ये क्या है एंथर है।
तो क्या होगा, कोई भी इंसेक्ट आता है नेक्टर के लिए, इनका जो मेन पर्पस होता है वो नेक्टर ही होता है, नेक्टर के लिए जाएगा। नेक्टर के लिए किस तरह से आता है, इसमें जो पेटल्स होते हैं फ्लावर के, जो पेटल्स होते हैं और इनकी जो फ्रेग्रेंस होती है उसके फ्रेग्रेंस से और पेटल के जो कलर होते हैं उससे क्या होता है, कोई भी इंसेक्ट या फिर बर्ड क्या होता है, अट्रैक्ट होता है। अट्रैक्ट होने के बाद ये एंथर पे आएगा, एंथर से नेक्टर लेगा, और जब नेक्टर ले रहा होता है तो ये जो पॉलन ग्रेन है इसकी बॉडी पे क्या कर जाते हैं, स्टिक कर जाते हैं। और स्टिक करने के बाद क्या होता है, ये जब दूसरे फ्लावर पे जाएगा, किसी दूसरे फ्लावर पे जाता है, मान लीजिए इस पे गया, इस फ्लावर पे गया, तो इसका जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है स्टिग्मा होगा, वहां पे क्या कर देता है, पॉलन ग्रेन को रिलीज कर देता है और वहां पे क्या हो जाती है, पॉलिनेशन हो जाती है। इसी तरह से क्या होता है, बर्ड्स में भी पॉलिनेशन होता है, एक प्लांट के एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पे जाते हैं तो इस पे क्या होता है, पॉलिनेशन परफॉर्म हो जाती है। तो दोनों में क्या होता है, कॉमन होता है, इंसेक्ट में भी देन बर्ड्स में। तो इस तरह से क्या होता है, बायोटिक और एबायोटिक एजेंट्स के थ्रू क्या होता है, पॉलिनेशन परफॉर्म होती है। वो एजेंट जो कि पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं उसे क्या कहते हैं, पॉलिनेटिक एजेंट। देखिए नेक्स्ट क्या है, फ्लोरल रिवॉर्ड का मतलब क्या होता है, रिवॉर्ड का मतलब यहाँ पे होगा कोई ना कोई प्राइज, ठीक है, कह सकते हैं। तो जो फ्लावर्स होते हैं वो क्या करते हैं, इंसेक्ट्स को कुछ ना कुछ रिवॉर्ड देते हैं। इंसेक्ट जो होते हैं उनका मेन पर्पस पॉलिनेशन कराना नहीं होता है, वो क्या होते हैं, अपने फायदे के लिए आते हैं वहां पे, या तो नेक्टर लेने के लिए आएंगे या तो किसी एग को ले करने के लिए आते हैं। तो जब फ्लावर से किसी प्लांट से इंसेक्ट को कुछ ना कुछ मिल रहा होता है, या तो नेक्टर मिल रहा है उनको, या फिर क्या कर रहा है, एग ले करने में हेल्प कर रहा है। तो इसी तरह का जो रिवॉर्ड उन्हें मिल रहा है इसे हम क्या कहेंगे, फ्लोरल रिवॉर्ड कहेंगे। अब देखिए एक फ्लावर होता है, ठीक है, एक प्लांट है जिसको हम लोग एमॉर्फोफेलस कहते हैं, एमॉर्फोफेलस। ये जो एमॉर्फोफेलस फ्लावर होता है इसकी जो हाइट होती है वो 6 फीट होती है, मतलब कि किसी ह्यूमन बींग से भी क्या होता है, लंबा होता है। अब जो इंसेक्ट होते हैं इसके पेटल से या फिर इसके फ्रेग्रेंस से क्या होता है, अट्रैक्ट होते हैं, और अट्रैक्ट होने के बाद क्या करते हैं, इसी में इस फ्लावर के अंदर पेटल जो होते हैं इनके अंदर क्या करते हैं, एग को ले करते हैं। तो इससे कुछ ना कुछ उन्हें रिवॉर्ड मिल रहा है, इसी को क्या कहेंगे, फ्लोरल रिवॉर्ड। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, योका मॉथ प्लांट के बारे में, योका मॉथ रिलेशनशिप, योका एंड मॉथ रिलेशनशिप। देखिए योका एंड मॉथ रिलेशनशिप क्या है, यहां पे देखिए योका क्या है, एक प्लांट है, योका क्या है, प्लांट है, ये आपके एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, यहां से देखिएगा। और मॉथ क्या है, यहाँ पे इंसेक्ट होता है। तो देखिए योका जो होता है, ये जो प्लांट है ये मॉथ से क्या होता है, इसको कुछ ना कुछ फायदा मिलता है इस योका प्लांट को, और इंसेक्ट को क्या मिल रहा है, इस योका प्लांट से कोई ना कोई बेनिफिट मिल रहा है। तो इसको, इन दोनों को एक दूसरे से बेनिफिट मिल रहा है, जिसको हम लोग कहेंगे म्यूचुअल बेनिफिट। किस तरह का फायदा मिलता है यहाँ पे, आइए देखते हैं। देखिए जो योका प्लांट होता है इसके जो फ्लावर्स होते हैं, ठीक है, फ्लावर्स होते हैं वो कैसे होते हैं, व्हाइट कलर के होंगे। और जो मॉथ होता है, मॉथ इंसेक्ट भी क्या होता है, व्हाइट कलर का होगा। तो जो मॉथ होता है वो जब उसको एग ले कराना होता है तो ये क्या आएगा, योका प्लांट के ऊपर आता है, और योका प्लांट में जो ओवेरियन कैविटी होती है, मींस जो लोक्यूल होता है, उसमें अपने एग को क्या कर देता है, ले कर देगा, एग को लेकर दिया। अब देखिए दोनों का कलर क्या है, सेम है, इसका भी कलर व्हाइट है और मॉथ का भी कलर व्हाइट है। तो कोई भी एनिमल आके इन्हें हार्म नहीं पहुंचा सकता, दोनों के कलर क्या होता है, कैमोफ्लैज होने की वजह से ये क्या होता है, एकदम प्रोटेक्शन में रहते हैं। तो अब जो मॉथ होता है वो क्या करेगा, ओवेरियन कैविटी में क्या कर देता है, एग को ले कर देता है। एग ले करने के बाद दूसरे प्लांट के फ्लावर्स पे जाता है और फिर इस फ्लावर पे आएगा, तो यहाँ पे साथ साथ पॉलिनेशन भी हो रही होती है। तो यका प्लांट का भी काम हो रहा है और मॉथ का भी काम हो रहा है, दोनों को क्या हो रहा है, एक दूसरे से बेनिफिट मिल रहा है। अब देखिए पॉलिनेशन जब हो जाती है तो इसमें साथ साथ फर्टिलाइजेशन भी होती है योका प्लांट में, और मॉथ जो है उसमें भी क्या हो रहा है, डेवलपमेंट हो रहा है। तो डेवलपमेंट जब हो जाता है, फर्टिलाइजेशन जब हो जाती है, मॉथ का डेवलपमेंट हो रहा है और इसमें क्या हो रही है, योका प्लांट में फर्टिलाइजेशन भी हो रही है। तो जैसे ही मॉथ का डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है, लार्वा में चेंज हो जाता है, और लार्वा में चेंज होने के बाद ओवरी से, क्योंकि फर्टिलाइजेशन भी हो रही है,
तो ओवरी से क्या होता है, वो बाहर आ जाता है। ओवरी से बाहर आने के बाद सॉइल में जाके अपना कोकून बनाएगा। देन उसके बाद यहाँ पे फ्लावर्स में भी, इस प्लांट में भी क्या हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है। तो दोनों का साथ साथ भी काम हो रहा है, यक्का प्लांट का भी और मॉथ का भी, दोनों से क्या है, एक दोनों को क्या है, एक दूसरे से बेनिफिट मिल रहा है, जिसको हम लोग यक्का मॉथ रिलेशनशिप कहेंगे। और ये भी क्या आता है, फ्लोरल रिवॉर्ड में आएगा। ये भी क्या आएगा, फ्लोरल रिवॉर्ड में।